बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगने के बाद अब देश में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। दिन दहाड़े बेखौफ घर में घुसकर गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए, छतरपुर में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं जिन्हें कानून का कोई खौफ नहीं है। छेड़छाड़ के मामले में राजीनामा न देने पर आरोपियों ने गोली मारी है, पीड़ित के परिजनों को गोली मारी है, चाचा घायल है जबकि दादा की मौत हो चुकी है। ताजा मामला छतरपुर शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां मुरहा गांव में दिन दहाड़े घर में घुसकर आरोपी ने एक ही परिवार को गोली मार दी, जिसमें एक वृद्ध की मौके पर ही मौत हो चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार सिविल लाइन थाने में एक माह पहले छेड़छाड़ से संबंधित एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले में लगातार आरोपी द्वारा पीड़ित परिवार पर राजीनामा देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। बच्ची के परिवार ने राजीनामा देने से इनकार किया, जिससे बौखलाए आरोपी युवक ने सोमवार की सुबह पीड़िता और उसके परिजनों को गोली मार दी, जिसमें वृद्ध दादा की मौके पर ही मौत हो चुकी है, साथ ही बच्ची और चाचा की हालत गंभीर है, इलाज जारी है। पीड़िता के चाचा को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। क्या इस पूरे घटना में छेड़छाड़ की पीड़ित बच्ची और जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है? घटना के बाद छतरपुर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। थाने के बाहर जेसीबी जंग खाने के लिए खड़ी इंतजार में है। आखिर कब ऐसे अपराधियों पर एक बार फिर बुलडोजर की कार्यवाही देखने को मिलेगी? आइए सुनते हैं पूरी घटना को लेकर एसपी अगम जैन क्या जानकारी दे रहे हैं। सर, किस प्रकार की घटना जो है आज छतरपुर जिले में घटी है? सर, आज एक सुबह सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत मोरा गांव में एक घटना हुई है, जहां एक व्यक्ति ने तीन लोगों पर फायर किया, उसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई, दो लोग अस्पताल में इलाजरत हैं। हमारी टीम लगी हुई है और शीघ्र ही आरोपी को अरेस्ट किया जाएगा। सर, बताया जा रहा है एक महीने पहले छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया जाता है, शिकायत दर्ज कराई गई थी। थाने में FIR दर्ज है और इनाम भी घोषित किया गया था टीम के द्वारा। जहां पर आरोपी की लोकेशन आ रही थी, वहां पर कई बार दबिश भी दी गई, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया था और अभी भी हमारी टीम लगी है, जल्दी उसको अरेस्ट किया जाएगा। सर, आज जो घटना देने के बाद आरोपी के द्वारा कट्टे की नोक पर बाइक छीनी गई थी, पता चला सर किसकी? उसमें भी हमारी टीम लगी है, जल्दी बाइक भी दस्तयाब होगी और आरोपी को भी पकड़ा जाएगा। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT, फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हेल्पलाइन नंबर 90074 51 46 14।